हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल जानकारी हित पर। एक नया कंटेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वी नो दैट। तो कंटेंट कौन सा है उसके बारे में जानते हैं। हे, सीखना चाहते हो ना, लेट्स मूव अहेड विद मी। Today's topic is about the positive economics and normative economics. Positive economics, which we say that सकारात्मक अर्थशास्त्र और वास्तविक अर्थशास्त्र। दूसरा जिसे मैंने normative economics कहा वो है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, आदर्शों पर आधारित। भाई आदर्श में क्या पता, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले आपको यह पता होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। आप मेरी वीडियो पहले इसी चैनल पर डाली हुई है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है वो हम, आप उसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मैं उसका लिंक भी देने वाला हूं अपने चैनल जानकारी हित पे। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक को, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र क्या है। इकोनॉमिक रेफर्स टू, वी कैन से, द सब्जेक्ट विच स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जो जिसमें हम मानव की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, क्रियाएं हैं, जिस सब्जेक्ट में अध्ययन करते हैं उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। और वी कैन से इन अनदर फॉर्मल डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज साइंस विच रिलेट्स विद द ह्यूमन बिहेवियर एज हाउ टू यूटिलाइज द लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट ऑप्टिमम रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी अचीव्ड एंड इकोनॉमिक वेलफेयर मस्ट बी इंक्लूडेड देयर। ये डेफिनेशंस मैंने आपको बताई। इस डेफिनेशन के बारे में हमने कंप्लीट वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं ब्रीफ में। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम मानव के उस व्यवहार का अध्ययन करते हैं जो मानव के कल्याण के लिए जुड़ी हुई आर्थिक गतिविधियां हैं उससे जुड़ा हुआ है, ताकि मानव अपने सीमित साधनों के साथ अपनी असीमित आवश्यकताओं को इस ढंग से पूरा कर सके, उनमें से सिलेक्ट करते हुए, स्केर्सिटी की समस्या का सामना करते हुए, ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसको मिल सके। सो ये है अर्थशास्त्र। टुडेज टॉपिक इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक या वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, अगर हम इसको कंटेंट वाइज आए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्चुअल पोजिशन ऑफ इकोनॉमिक इशूज इन अ इकॉनमी रिलेटेड विद पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो किसी अर्थव्यवस्था के जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य से संबंधित जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनका अध्ययन जिस अर्थव्यवस्था में हम करते हैं उसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, सकारात्मक अर्थव्यवस्था या वास्तविक अर्थशास्त्र कहते हैं। ये ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था नहीं है, अर्थशास्त्र है, ये बात ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इट इज सच अ ब्रांच वेयर वी स्टडीज व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को किसी को एक्सप्लेन करना है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, क्योंकि फैक्ट्स की बात करते हैं, पहले क्या था, आज क्या है और आने वाले समय में क्या होगा, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रिगार्डिंग पुट अप करते हैं और जिस सब्जेक्ट में हम इस बात को स्टडी करते हैं, दैट सब्जेक्ट इज नॉन एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। डोंट मेक रिकमेंडेशन अबाउट द आइडल स्टेट ऑफ माइंड, अपना जो आदर्शवादी दिमाग है उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में उसकी बात हम बिल्कुल नहीं करते। इट इज रिलेटेड विद द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो तथ्यों पर आधारित सूचना है हम उसकी बात करते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और वी कैन से इज अ वास्तविक अर्थव्यवस्था, वो अर्थव्यवस्था का वो विषय है, वो कंटेंट है जिसमें हम फैक्ट्स की, तथ्यों का अध्ययन करते हैं कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है और भविष्य में क्या होगा। एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ कि भारत की जनसंख्या जब देश आजाद हुआ 1947 में तो 35 करोड़ थी, मैंने बोला ये, और आज 17 जुलाई को दोपहर के 3 बजे मान लो भारत की जो जनसंख्या थी वो 138 करोड़ थी। अगर मैं उसके आगे का डाटा बोलूंगा ये तो कंटिन्यूली चेंज होता रहता है, हम जानते हैं जनसंख्या बढ़ती जाती है। और इसी ट्रेंड में अगर चलें
2038 में मान लो मैं कहता हूं भारत की जनसंख्या 155 करोड़ हो जाएगी। ये मैंने बोला फैक्ट्स के साथ, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, डेटा इज देयर। इट मे बी ट्रू और फॉल्स, ये सच भी हो सकता है भी झूठ भी हो सकता है। बहुत में आपको देखना शुरू हो गए गूगल पे किसने ठीक बोला या नहीं। अरे भाई ठीक हो या गलत, बट है तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ही, क्योंकि तथ्यों पर आधारित है, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। तो ये बात स्पष्ट है कि जो रियल पिक्चर है उसको जो पेश करने वाला अर्थशास्त्र है, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और वी कैन से सकारात्मक अर्थशास्त्र और वास्तविक अर्थशास्त्र। दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव जिसे हम कहते हैं आदर्शवादी, हम जानते हैं कि आदर्शवादी लोग, जैसे हम बात करते हैं जनरली कंटेंट को समझने से पहले, आदर्शवाद होता क्या है? हमें सच बोलना चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए, देश में रोजगार होना चाहिए, गरीब के लिए रोटी होनी चाहिए, ये आदर्शवादी बातें हैं। फैक्ट नहीं है कि आज क्या है, कल क्या था, आने वाले टाइम में क्या होगा। जब फैक्ट्स की बात करते हैं वो थी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जब हम होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। द सब्जेक्ट वेयर वी स्टडीज अबाउट व्हाट ऑट टू बी इन इकोनॉमिक्स इज नॉन एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये याद रखना, जिस अर्थशास्त्र के जिस कंटेंट में, जिस विषय में हम इस बात की चर्चा करें कि क्या होना चाहिए, क्या था, क्या है, क्या होगा, ये नहीं, क्या होना चाहिए, मतलब आइडलिज्म इज देयर। आदर्शवादी बातें जहां पर हों, जहां हम इस कंटेंट को स्टडी करते हैं, दैट इकोनॉमिक्स इज नॉन एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये हमें ध्यान रखना होगा। एक बात और ध्यान रखना, दैट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डजंट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स, नॉट रिलेट्स टू द फैक्ट, नॉट रिलेट्स टू द एक्चुअल इंफॉर्मेशन। इसका तथ्यों से कोई संबंध नहीं है भाई। बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें ये ओपिनियन मेकर होते हैं, आपने चैनल्स पे बैठे देखो, वो चर्चा करते हैं, वहां पे इतना कुछ है, यहां ये होना चाहिए, गरीबों को ये चीज मिलनी चाहिए, अमीरों पे ये लगना चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, बट एक्चुअल क्या है इसकी चर्चा नहीं हो रही। दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के किसी ऐसी बातों की हम चर्चा करते हैं, आइडलिज्म यहां पर इन्वॉल्व हो, आदर्शवादी बातें हो, ओपिनियन मेकिंग हो, चाहे वो लोगों को भड़काने के लिए क्यों ना हो, भाई ये लिखना नहीं है, बात कर रहा हूं समझाने के लिए, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है, ये ध्यान रखना, ये आइडलिज्म बेस्ड है, यहां पे हम तथ्यों की बात नहीं करते। तो बात करते हैं दोनों का कंपैरिजन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? जब भी हम अंतर की बात करें तो कोई ना कोई बेस होना चाहिए। फर्स्ट द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज दैट द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट्स विद द फैक्चुअल वैल्यूज, मतलब जो वास्तविक अर्थशास्त्र है वो वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़े ठीक या गलत कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड्स, बट फैक्ट्स इज देयर, तथ्य हैं वहां पर। ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट्स विद द आइडलिज्म, जो आदर्शवादी बातें हैं उस पर आधारित है। नो प्लेस ऑफ फैक्ट इज देयर, तथ्यों का कोई स्थान ही नहीं है भाई। बड़ी बड़ी बातें, आदर्शवादी बातें करना, सच बोला करो, जो बोलने वाला कहता है ना वो अभी नहीं बोलता भाई। ये इकोनॉमिक डाटा नहीं है जो समझाने के लिए कि आदर्शवाद होता क्या है। चलो थोड़ा हंसना हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जिस पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस बेस पे हम इनको जज कर सकते हैं, जब हम बात करें व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, क्या था, क्या है और क्या होगा, जब इन चीजों की बात करते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन, कोई इकोनॉमिक डाटा, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो फैक्चुअल वैल्यू थी, पास्ट में क्या थी, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगी, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सेकेंड वन नॉर्मेटिव, जब हम बात करें ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सभी को अनाज मिलना चाहिए, सभी को पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, देश में से गरीबी हटा देनी चाहिए, गरीबी हटाने के लिए रोजगार होना चाहिए, रोजगार होने के लिए
गवर्नमेंट को इतना फंड या गवर्नमेंट को पैसा लगाना चाहिए 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 चाहिए, पर कितना, कैसे, कब, इसकी बात नहीं हो रही, फैक्ट की बात नहीं हो रही। जब हम बात करें व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वन इज दैट अदर डिफरेंस वी कैन मेक दैट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड अपॉन द रियल वैल्यूज, रियल डाटा। ऑन द अदर हैंड दैट इज द आइडलिज्म इज देयर, आदर्शवाद की बातें वहां पर बहुत है। और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो ग्राउंड बेस की इंफॉर्मेशन है, जो ग्राउंड की इंफॉर्मेशन है वहां डाटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मे बी लिटिल बिट अप डाउन, बट दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स एट ग्राउंड लेवल, वहां पे क्या है एक्चुअल, उस पे आधारित है, जैसे मैंने पॉपुलेशन की बात की थी। और दूसरी तरफ जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है दैट रिफ्लेक्ट्स ओपिनियन, विचार, चर्चा, वो टीवी शो वो सब क्रिएट होते हैं जब हम ऐसी बातें करते हैं। वो जो यूनियंस वाले हैं वो खड़े होते हैं, बड़े बड़ी स्पीच दे, ऐसा होना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये ध्यान रखना होगा। वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मस्ट वी कीप इन माइंड, ये बात ध्यान रखनी होगी। द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डजंट मीन्स वी आर ट्राइंग टू से दैट इट इज द ट्रूथ, इट इज द ट्रू इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉट। यू कैन जज द इंफॉर्मेशन ऑन द फैक्ट्स, आप जांच कर सकते हो तथ्यों के आधार पर, इवन देन दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अंडर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वहां तथ्यों होते ही नहीं है, तथ्यों की जांच कैसे हो सकती है, होना चाहिए ऐसी बात करते हैं। व्हाट ऑट टू, किसी ने कहा भारत की जनसंख्या 138 करोड़ 57 लाख 236 है, किसी ने ऐसा बोला, आप जांच कर सकते हो, पहले टाइम जांचो किस टाइम पे क्या है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे, ये इंफॉर्मेशन गलत है या ठीक है, थोड़ी ज्यादा है या कम है, बट भाई है तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ही। अगर मैं कहूँ भारत की जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए, इस पे नियंत्रण होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के रिगार्डिंग बिल पेश होना चाहिए, तो वो क्या बनगी, होना चाहिए वो क्या होगी, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट होता है जब हम ऐसी बातें करते हैं। ये सारी बातें ध्यान रखनी होगी। अगर कोई कंटेंट क्लियर नहीं है, आप वीडियो को बैक जाएं, उस कंटेंट को देखें, आप नीचे दिए गए जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना कमेंट भी दे सकते हो। वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू नो अबाउट इकोनॉमिक्स, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, यू कैन गो थ्रू माय चैनल जानकारी हित। जानकारी हित को जैसे ही नीचे आप क्लिक करते हैं, बहुत सी वीडियोस आप देख सकते हो, वहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो सारे कंटेंट डाले हैं और नीचे लिंक भी दिए हैं। आज का विषय मुझे लगता है आपको क्लियर होगा, हो गया होगा। बड़ी जल्दी हम आपके काम को आसान बनाने के लिए एक नया इशू लेकर आपके साथ आने वाले हैं, तब तक इंतजार कीजिए। जी।